जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एड जी। और इस वीडियो में आज का जो करंट है, डेली करंट मैगजीन हम बनाते हैं, तो वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिन्हें पता है कहाँ से डाउनलोड करनी है वो चले जाइए, लेकिन जो नए हैं हमसे डेली लगभग 400-500 लोग डेली जुड़ते जाते हैं, तो उनको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सारी एक तरह से ये मान के चलिए कि कोई आपको पढ़ा रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप खुद को पढ़वाना, आपको पढ़वाना मेरा एक तरह से उद्देश्य है। क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होता है। ये थोड़ी सी कड़वी एक तरह से मान लीजिए सच्चाई है कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं अपना एक तरह से चलाने के लिए, वो क्या करते हैं बना देते हैं वीडियो और आप लोग देखते रहते हैं। और यूट्यूब एक ऐसा भंडार बन चुका है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन उसमें गलत भी चीज़ें हैं जिससे आप क्या होते हैं भटक जाते हैं। तो मैं इन सभी को एक तरह से सही करने के लिए ये मैगजीन लेके आया हूँ आपके लिए। क्यों लेके आया हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप जब पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा। और आपकी सिविल सर्विस की दृष्टि से मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इस वजह से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये डेली मैगजीन है, डेली ये अपलोड की जाती है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, एडिटोरियल मिल जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती हैं यानी जो सिविल सर्विस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो मिल जाती हैं। पीआईबी न्यूज़ आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, यदि इंपॉर्टेंट है कोई तो उस दिन की जो है मिल जाती है, ठीक है। एआईआर न्यूज़ मिल जाती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआईआर न्यूज़ आपको अभी शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो सेलेक्टेड पर्सन हैं उनसे आप मिलिए और उनसे बात करेंगे तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। आप खुद भी पढ़ेंगे सॉरी सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वहाँ पर जो है ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं वही आते हैं, और जो एक तरह सरकार की जो नीतियां हैं उन पर जो है बातचीत की जाती है, डिस्कशन किए जाते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उस दिन की, मैं आपको इस पर लिंक प्रोवाइड करता हूं और उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहता है स्टडी के प्रति। मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो एमसीक्यू जो वगैरह जो है देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आईएएस के एग्जाम के लिए यानी यूपीएससी के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में यूपीएससी के जो अन्य एग्जाम है सीडीएस सीएपीएफ एनडीए उनमें भी ये काम आने वाली है, क्योंकि ये एक तरह से ये मान लीजिए सीडीएस सीएपीएफ एनडीए आईएएस के तलछट के रूप में ही, प्री का जो तलछट होता है एक तरह से उसी में काम आते हैं। यानी आप प्रैक्टिस के रूप में सीडीएस एनडीए सीएपीएफ का पेपर यूज कर सकते हैं आईएएस के लिए। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कुछ दिनों में, इसी चैनल पर जो है नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस का जो पैटर्न चेंज हुआ है 2018 से, तो उसमें ये काम आने वाली है। आरएएस का जो एग्ज़ाम है वो तो सेम है ये यूपीएससी जैसा, एमपीएससी के मेंस के में भी ये काम आएगी। आपको पता है एमपीएससी का मेंस जो है काफ़ी समानता आती आ रही है, हालांकि बेसिक चीज़ें हैं लेकिन फिर भी समानता तो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 6 तारीख की मैगजीन है, लेकिन आप कभी भी इस वीडियो को सुने आप उस दिन जाके वहाँ पर जहाँ मैं बताऊँगा अभी, वहाँ जाके लगभग 12 बजे से बाद या फिर पहले, वैसे मैं पहले ही कोशिश करता हूँ, लेकिन 12 बजे तक हर हाल में जो है डाल दी जाएगी ये, ठीक है। तो आज का जो जो न्यूज़ है जो एडिटोरियल है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बताने से क्या होता है आप एक तरह से मोटिवेट होते हैं इन चीज़ों से। जब आपको कोई बताता है कि ये पढ़ना है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ने का जो नज़रिया है थोड़ा सा बदल जाता है। इस वजह से मैं ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम जब करते थे तो हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, हमें महसूस होता था कोई बताए ऐसा, लेकिन नहीं होता था। तो मैं आपको वो कमियां जो है पूरी करके दूंगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है द हिंदू, द हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है। ये तो जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है उनकी इंग्लिश भी सही करनी है थोड़ी थोड़ी, कम से कम पढ़ना तो सीखे, शब्द तो उनके दिमाग से गुजरे, ठीक है। इस वजह से मैं एक जो है डालता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है द हिंदू का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि द हिंदू से ही आईएएस बनेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट चीज़ें छाट के आपको अगर मिल जाए तो वहाँ से चीज़ें कवर हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी का ये एडिटोरियल है, बैंकों में जान फूंकने की कड़ी कवायद कवायद, ठीक है। तो जयंतीलाल भंडारी जी द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना ज़रूरी है, एक नया विचार मिलेगा, इन्हीं से आपका माइंड जो है खुलता है, ठीक है। ये भी उन्हीं का है, भारतमाला और सागरमाला से उम्मीदें व चुनौतियाँ। देखिए भारतमाला जो है रोड वाली है और सागरमाला जो है समुद्र में जो बनाए जाएंगे आपके डॉक यार्ड वगैरह जो होते हैं, सॉरी एक सेकंड, बंदरगाहों को जोड़ने वाली परियोजना है सागरमाला, ठीक है। और भारतमाला रोड को चारों तरफ से, रोड को भारत की सीमा जो है वो
पूरी की पूरी सीमा को जोड़ने वाली है भारतमाला, और सागरमाला उन सीमाओं को एक तरह से मान लीजिए बंदरगाहों को जोड़ती है। तो यानी दोनों से क्या उम्मीदें और चुनौतियां हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, और ये चीज़ें आपको जयंतीलाल भंडारी जी द्वारा बताई आ रही हैं, तो उनका ये है आप यूज कर सकते हैं कहीं भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अभी आज के लिए इतना ही वो था इसमें, सॉरी एडिटोरियल। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको पढ़नी चाहिए आज के न्यूज़पेपर से, वो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सबसे पुरानी सर्पिल आकाश गंगा मिली, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन सी है, थोड़ा सा पढ़ने से क्या होता है इंटरेस्ट जागता है और चीज़ें कब को कवर होने लग जाती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन छाटना इंपॉर्टेंट होता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का सुझाव, ठीक है, तो वो क्या सुझाव है इससे आपको पता पड़ जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या कमियाँ हैं जल भंडारण से रिलेटिव। ठीक है, जल भंडार, और जल भंडार मतलब वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है तो वहाँ के कारण जो है किस प्रकार से मार्ग परियोजना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब आपको थोड़ा सा थोड़ा पता पड़ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा करंट का। और आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये चीज़ आ गई पूर्वोत्तर राज्यों में जल भंडारण क्षमता बढ़ावा देने का सुझाव, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और किधर से आके मिलती हैं, उत्तर से दक्षिण से, इस प्रकार से चीज़ें जो है कवर करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे तैयारी जो है करी जाती है। बेल्जियम के राजा जो है फिलिप भारत दौरे पर हैं, ठीक है, तो उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं और क्या क्या संभावनाएं रही हैं भारत की, व्यापार से रिलेटिव, ठीक है, आतंकवाद से रिलेटिव, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दे दी जाएंगी। नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उन्हें नोट कर लीजिएगा। पीआईबी में आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी कोई भी, दो ही न्यूज़ थी पीआईबी में, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी क्योंकि कल संडे था, संडे को आपको पता सरकारी जो है छुट्टी होती है। एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था अभी, ऊर्जा एशियाई मंत्री स्तरीय जो ऊर्जा सम्मेलन था उससे रिलेटिव ये दिया गया है एमसीक्यूज क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगें, वैसे ये तो इंपॉर्टेंट है ही है लेकिन इंटरेस्ट बनाने के लिए आपके लिए दिया जाता है। ठीक है, और इनसे जो है वनडे एग्जाम में तो आने ही आने, ये मान के चलिए। एआईआर न्यूज में आज न्यूज है और समसामयिकी है, समसामयिकी ये कुछ करिए चमत्कारिए, ये दोनों चीज़ें आप जरूर सुनिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे जब ये मैगजीन आपको मिल जाएगी, बताऊंगा मैं अभी कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिंक करके जा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी दो वेबसाइट हैं, ये यूट्यूब चैनल है, ये सारी चीज़ें हैं, ट्विटर वगैरह जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो है पहुँच जाते हैं इस वजह से, और आपको कभी भी लगे इस मैगजीन से आपको फ़ायदा हुआ है तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। फ्री में नोट्स और बुक्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना कुछ लोग पूछते हैं, तो ये सब लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अब बता देता हूँ मैं आपको कहाँ से ये डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले जाना है हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट का नाम है, दो वेबसाइट है हमारी, तो अभी फ़िलहाल इस पर डाला जा रहा है www.upsc11.com, गूगल पर सर्च कर लेना है www.upsc11.com, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप www.upsc11.com पर आएंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको क्या करना है स्क्रॉल करते जाना है नीचे और ढूंढना है कैटेगरीज का ऑप्शन, ठीक है, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं बाद में देख लीजिएगा इस पर, नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हिंदी माध्यम के लिए खासकर, और ये लिंक मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, इसी प्रकार का टैब एक मिलेगा कैटेगरीज का, ठीक है, तो कैटेगरी का ये मिल गया, अब इसमें ढूंढना है आपको TNA, कैटेगरी के ऑप्शन में TNA ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पर TNA ये मिल गया, TNA टुडेज न्यूज़ एनालिसिस, इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो है खुल जाएगा, ठीक है, और आपको पूरा बताता हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर डाउनलोड नहीं हो पाती है, ये आज की मैगजीन जो है डाल दी जा चुकी है, ठीक है, एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा और यहाँ से आपको जो है डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जब आप डाउनलोड के बटन पर दबाएंगे तो इस प्रकार से जो है मैगजीन आएगी, फिर एक बार और इस पर क्लिक कर देना है, जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो गई, ये पूरी मैगजीन जो है अभी दिखा रहा था वो आ गई आपकी, तो चलिए ये डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, आपका लाइक बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइक से ही हमें मोटिवेट होते हैं और ये दूसरे लोगों तक पहुँचाया जाता है वीडियो, तो देखते रहे एग्जामिनर जी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।
और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए।